एक काम करो, अपना हाथ मेरे हाथ में दो, अपना वेट मेरे कंधे पे डालो एंड इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। अंगद, मुझे तुम्हारे बारे में इतनी सारी बुरी बातें याद हैं, but the problem is, उनसे कहीं ज्यादा मुझे वो बातें याद हैं जिनकी वजह से मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। हेलो हेलो, मैं बोल रहा हूँ। कॉन्सर्ट देखा आप? मैं तानिया को मुबारकबाद देना चाहता था पर उसका फोन लग ही नहीं रहा, तो इसीलिए घर पर फोन किया। वो घर पे पहुंची नहीं है। दीदी, मैं गलत था। निशांत ने ये शादी करके कोई गलती नहीं की है, बल्कि मैं खुश हूं कि तानिया निशांत की जिंदगी में है। दीदी, मैं तो आप सबसे दूर हूं, पर तानिया के घर में होने की वजह से आज पहली बार मेरे मन में उम्मीद जागी है कि शायद मेरा बेटा मुझे अपना लेगा। बस एक तानिया ही है जो निशांत को इस बारे में सोचने पर मजबूर कर सकती है, और कौन जाने, शायद मेरा पिछड़ा परिवार मुझे वापस मिल जाए। दीदी, आज मेरे पास सब कुछ है। नहीं है तो मेरे अपने, मेरे बच्चे, जिनके साथ मैं अपना सुख दुख बांट सकूं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारा यह विश्वास और ताने की कोशिश दोनों कामयाब हो जाएं। मैं जानती हूँ ताने मुझे कभी नीचा नहीं दिखाएगी, मेरे विश्वास पर खरी उतरेगी। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। मैंने तुम्हें ऐसे उठा लिया, तुम्हें अजीब लग रहा है ना, लेकिन बस आज की रात हमें बस इसी जगह सर छुपाने के लिए मिलेगी। तो जिस तरह के तुम चल रही थी ना, आई मीन लंगड़ा रही, पता नहीं हम कब पहुंचते। अब मैं बताऊं मैं क्या सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि मैं भी वहां जल्दी पहुंच जाऊं, ताकि ताकि
ताकि तुम्हें नीचे रख सकूं, नहीं तो तुम्हें उठा के तो मैं भी लंगड़ाऊंगा। अंकल। अच्छा अच्छा ओके ओके ऑल राइट मंदिर जाती है, फिर सीनियों पे एब्सोल्युटली स्ट्रेट लेट कर भगवान को हेलो बोलती है, फिर ऊपर जाकर घंटी बजाती है, पंडित जी को बुलाकर अच्छी बैर करती है। अरे चुप्पे, अच्छी बैर नहीं आशीर्वाद। अब तू शट अप और जल्दी से डायरी ढूंढ। अरे सब कुछ मैं करूंगा तो तू क्या करेगा? फॉरगेट इट, तुझे कौन समझाए। चल ठीक है, मैं ढूंढ लेता हूं। दादी को आने के लिए कम से कम एक घंटा लगता है। अरे हाँ, that's true। चल दादू का नंबर डायल करते हैं। भीम, बाली, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? बस हम तो कुछ नहीं। झूठ बोल रहे हो, तुम दादू को फोन कर रहे थे ना? You should be ashamed of yourself। तुमने ऐसे सोचा भी कैसे? क्या बात है, ये बच्चा पार्टी लड़ क्यों रही है? तुम लोग कभी लड़ते नहीं हो ना? तनु बेटा क्या हुआ? दादी ये दोनों बिल्कुल इरेस्पॉन्सिबल है, इनको मना किया फिर भी। दादी, ये दीदी पागल हो गई है। ओहो, शांति शांति, पहले सब बेड पर बैठ जा और प्रसाद खा। आजा 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 बेटा, आजा बैठो, ठीक से बैठो। ये लो ये लो लो तनु, अब बता क्या हुआ? दादी ये दोनों दद्दू को फोन कर रहे थे। तो क्या हुआ? दीदी तो पूरा दिन किसी ना किसी से बात करती रहती है, उनको कौन डांटता है? लेकिन तुम दद्दू को फोन क्यों कर रहे थे बेटा? तुमने ही हमें कहा था कि जब भी तुम्हें घूमने का मन करे तो हमें फोन कर देना। ए ए, तू समझा ना यार? हाँ दादी, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम जब भी फ्री होंगे ना मुझे फोन कर देना। तुम तो डर के मारे नहीं कर रहे थे क्योंकि चाचू हम पर गुस्सा ना हो जाए। चाचू हमें दद्दू को फोन क्यों नहीं करने देते? देखो बेटा, भीम तुम्हें याद है बाली ने तुम्हारी नोटबुक फाड़ी थी तो तुम मेरे पास रोते रोते आए थे। तुम्हारी बात मैंने अलग से सुनी थी और बाली की अलग से, और बाद में मुझे पता चला कि तुमने बाली की पेंसिल तोड़ी थी तो मैंने बाली की साइड ली थी। वैसे ही दादू और चाचू की फाइट हुई थी, मैंने दोनों की बातें सुन ली और मुझे पता चला कि निशान चाचू सही थे तो मैंने चाचू की साइड ली। अब जब तक दोनों में दोस्ती नहीं हो जाती हम सब चाचू की साइड पर रहेंगे। तुम लोगों को इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? निशांत बेटा, कहिए। मैं तुमसे मिलने आया हूं। अच्छा, तो आप मुझसे मिलने आए? मुझे लगा आप अपने किसी दोस्त से मिलने आए होंगे जिसे पुलिस से मार पड़ी होगी या गोली लगी होगी या फिर मेरे हर पल की खबर रखते हैं आप। एक बाप अगर अपने बेटे की पल पल की खबर रखता है तो ये उसका फर्ज बनता है। फर्ज? फर्ज की बात आप ना करें तो अच्छा होगा। मिस्टर सक्सेना, आप अपनी बुरी नजर मुझ पे ना डालें तो आपके लिए और अच्छा होगा। बेटा तुम मुझे हमेशा गलत क्यों समझते हो? मिस्टर सक्सेना, आपने गलत ही काम तो किए हैं। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि मुझे डैड भी नहीं बुला सकते? ये हक आप बहुत पहले ही खो चुके हैं। बेटा हम
हम क्यों ना पुरानी बातों को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। हम फिर से एक हो सकते हैं। मैं सारे बुरे काम छोड़ने को तैयार हूं, बल्कि छोड़ चुका हूं जो तुम्हें पसंद नहीं। मिस्टर सक्सेना, आप ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे आपकी किसी भी बात में ना तो कोई इंटरेस्ट है ना ही कोई दिलचस्पी। आप अपना साया मुझ पर और मेरे परिवार पर ना डालें तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता और हम लोग आपके बिना खुश और हमेशा खुश रहेंगे। बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारी खुशी किसमें है, मुझे माफ कर दो। तानिया के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा था वो गलत था। तुमने उससे शादी करके कोई गलत फैसला नहीं किया, बल्कि अच्छा ही किया है। मैंने तुम्हारे घर पर फोन किया था तानिया को मुबारकबाद देने के लिए, मगर वो घर पर नहीं थी, इसलिए सोचा कि उसकी कामयाबी की मुबारकबाद मैं तुम्हें पर्सनली दे दूं। बेटा, माफ तो तुमको मुझे करना ही पड़ेगा। हम फिर से एक साथ रहेंगे, आई प्रॉमिस। आप लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया था। तुमने हमें डरा दिया? क्यों? देखो, इन्हें डांटना मत। मैंने इन्हें परमिशन दी है, ये पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है? प्लीज। तो आप लोगों को फिल्म देखनी है? हाँ। तो ये लो, पॉपकॉर्न के साथ चिप्स, चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स। फिल्म देखने में और मजा आएगा। अरे वाह, क्या बात है। क्या बात है चाचू, आज आप बहुत खुश हैं? खुश रहने के लिए कोई बात होनी हमेशा जरूरी तो नहीं है। निशान, जब से तेरी शादी हुई है तो बिना बात के बहुत खुश रहने लगा है। अच्छा है चाचू, आप भी हमारे साथ पिक्चर देखिए ना। हाँ, टेम्पटिंग ऑफर है, लेकिन तुम लोग देखो, मुझे बहुत सारा काम करना है। ओके, तभी फिर से पिक्चर लगाया है। हाँ हाँ, लगा रही हूँ, मुझे भी देखनी है। नहीं कर सकती, आई मीन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं शादीशुदा हूं और घर का मालिक इनविटेशन देने नहीं आएगा।
कृपा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम क्या कह रहे हो? जिसके तुम सपने देख रही हो। तुम मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते। तुम चाहे उसके साथ रहो, लेकिन तुम हमेशा मेरी रहोगी। ऐसी उसमें कौन सी बात है जो मुझ में नहीं, जो तुम उसके पास जाना चाहती हो? बोलो। Kaisa ye pyar hai।